बॉडी सो सही है बॉयस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं जाने वाला हूँ फील्ड में दौड़ने के लिए। यहाँ पर हम लोग ने घर में वो थान सुखा दिया, तो ये थान जो है ये नया है ना, कल परसों ही खेत चलाए थे, अभी इसको सुखा रहे हैं। वहाँ पर कबूतर बैठ रही है, मजे कर रहा है दोनों, वो है लड़का वो है लड़की, ये दोनों कपल है गाइस। और गाइस बाइक की हालत देख सकते हो आप लोग, एकदम गंदा हो चुका है, बहुत दिनों से धोया नहीं, कल परसों धोएंगे शायद से, देखेंगे। और गाइस आज थोड़ा लेट हो गया मैं, क्योंकि घर में पूजा किए थे तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। और मेरे दोस्त लोग भी मेरे को बुला रही है फील्ड में, जल्दी आ जाओ बोल के। तो अभी मैं एकदम तैयार हो चुका हूँ, एकदम पैक रेडी, अपने लिए जूते और पानी बोतल वगैरह वो सब ले लिए। अभी मैं जाने वाला हूँ गाइस फील्ड में दौड़ने के लिए। तो आज धूप बहुत ज़्यादा दे रही है, वहाँ देख सकते हो आप लोग, एकदम मेरे शक्ल पे देख सकते हो आप लोग, एकदम जल के रिफ्लेक्शन मार रहा है, मतलब समझ लो मतलब बहुत गर्म हो चुका है। और फाइनली मेरे घर का चार्ट बदल दिए, हरे कलर की लगा दिए। बिल्डिंग विल्डिंग फिलहाल बना नहीं सकते, मीडियम क्लास की फैमिली लोग हैं हम लोग, तो देखेंगे आने वाले कल में क्या होता है। और गाइस मेरे घर में सुअर भी है, हम लोग सुअर पालते हैं। तो ये कबूतर देखिए गाइस, डरता भी नहीं है, मेरे सामने ही रह के उड़ गया। ये मेरे घर में बतख भी है, चार बतख है, और ये बहुत बड़ा सुअर, ये दो तीन साल बुढ़ी हो गए। और वहाँ सोयाबीन की तरह हड्डी है गाइस, वहाँ देख सकते हो एकदम हक के किचर बना दिया। तो यही मेरे घर के तौर, ये मेरे घर के फिल्टर, फिलहाल फिल्टर नहीं है, बाद में लगा लेंगे। और गाइस मैंने जो भूटान से तेल लेके आया था वो अभी भी है मेरे बाइक में, ख़त्म नहीं हुआ, मैंने ड्रम पे रख दिया निकाल के, वही फिर से डालेंगे जब पूरे टैंकी खाली हो जाता है तब फिर से। तो ठीक है गाइस, अभी चलते हैं फील्ड में। और गाइस अभी टाइम हो गया दोपहर के 11:46, और अभी गाइस मैं तेल डालने वाला हूँ बाइक में, तेल भी ख़त्म हो चुका था टैंकी में एकदम खाली। तो यही है भूटान से जो तेल मैंने लेके आया था, तो अभी इसको डालेंगे। अरे यार यहाँ पर गाइस ड्रम में कम से कम 4-5 लीटर है, सिर्फ थोड़ा डालेंगे ज़्यादा नहीं, बस तो मैंने बाथरूम में रख दिया वो ड्रम। तो अब चलते हैं गाइस, फाइनली घर से निकलते हैं बाहर। और गाइस एक चीज़ बताओ आपको, ये है सोलर चार्ज कंट्रोलर, इससे मैं बाइक को चार्ज करता हूँ अपने बैटरी को, तो इस पर काम आता है वो, क्योंकि एसी करंट से चार्ज देने से वायर लंबा चाहिए ना, तो घर से प्लग में डालो उसके बाद एक्सटेंशन कॉर्ड लगाओ, मतलब बहुत लंबा है, इसलिए मैंने वो एसी प्लग में चार्ज देने छोड़ दिया। और अभी मैं सिर्फ इससे चार्ज करता हूँ सोलर चार्ज कंट्रोलर, तो ये भी सही है और चार्ज भी जल्दी से हो जाता है, डायरेक्ट डीसी वाला जल्दी से चार्ज हो जाता है कंपेयर टू एसी। तो गाइस अभी मैं घर से निकल चुका हूँ बाहर, और अभी सीधा चलते हैं फील्ड में लेफ्ट टर्न लेके। और गाइस यहाँ पर है सुअर के फार्म, मेरे दोस्त का ही है ये, वो है गोरा सुअर, और ये उनके घर है, वो भी सरकार से दिए गए घर, सही है। और ये भी मेरे दोस्त का ही घर है, वो भी सरकार के दिए गए घर। और यहाँ पर तालाब में मछली पल पल के रखा है वो इस घर वाले ने, और यहाँ पर घर बनाने वाला इसलिए पत्थर लेकर रखा है यहाँ। तो गाइस मैं फिर से भूटान में नेक्स्ट मंथ जाऊँगा, अभी नहीं, थोड़ा तेल अभी भी बचे हुए हैं जो ड्रम में रखे हुए थे, आज तो सिर्फ मैंने 0.5 लीटर डाल लिए। और गाइस यहाँ पर खेत करने के बाद खेत के पौधे को इस तरह से रखा जाता है, ये मुर्गी हर तरफ पक्का के घर दोगी। और गाइस यहाँ पर शादी का माहौल बनने वाला है, 26 नवंबर को शायद शादी होंगे उस घर वाले का।
यहाँ पर भी मोहल्ले पूरा सजा के रखा है। और यहाँ का ब्रिज टोटली कंप्लीटेड, सिर्फ अभी रास्ते को प्लास्टर करना बाकी है। ये ट्रैक्टर वाले मिट्टी लेके आया खुद के ज़मीन से। और यहाँ गाइस सारे खेत काट दिए, सब घर लेके गया हर तरफ। और अभी जो धान के रेत है वो है 700 रुपया। आगे में जो बंदे है वो मेरा दोस्त है, हाथ में हथियार लेके आए खड्डे बनाने के लिए, लॉन्ग जंप के लिए। और गाइस यहाँ का जो नदी है पूरे सूख गए, नवंबर करीबन में एकदम सूखे सूखे लगते हैं और जुलाई करीबन में सारे मिट्टी को उठा ले जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अपने दोस्त लोग दौड़ रही है, कमांडो के लिए तैयारी कर रहा है लोग फील्ड में आज। एकदम कितना जन, 2-3-4 बंदू। ये खड्डे लॉन्ग जंप के लिए सही है। आज हिंदी में बात करो भाई लोग, आज हिंदी में। गाइस यहाँ पर देख सकते हो पूरा पावर थूप के। और यहाँ से गाइस भूटान के पहाड़, वो जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं आपको, ऐसे लग रहा है कि वो किसी का बाल चरे हुए, जो बीच में जो है तकला तकला टाइप का, वैसा टाइप लग रहा है मतलब। तो गाइस दौड़ना ख़त्म हो गया, 8-15 राउंड मार चुके हैं। और गाइस अभी हम लोग मुकबांग करने वाले हैं पपीता। हर दिन नया नया फ्लेवर आते रहता है हम लोग के फील्ड में दौड़ने के बाद, तो आज हम लोग पपीता खाएंगे। तो यहाँ पर मेरे दोस्त हो रही है पपीता हैंडपम्प में, तो इस हैंडपम्प को भी हम नहीं लगाए थे पैसे जुगाड़ करके। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस पपीता धो रही है हम लोग अभी, आज नया फ्लेवर, हर दिन अलग अलग फ्लेवर गाइस। तो ये रहा, और केले के पत्ते, इसको प्लेट जैसा बनाया जाएगा वहाँ पपीता रखने के लिए सारे जानांगू। तो गाइस यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स आ चुका है, ये है इंग्रेडिएंट्स, धनिया और प्याज के पत्ता। और यहाँ पर चिल रही है मेरे दोस्त पपीता, सही है। हर दिन नया नया फ्लेवर, नया नया मुकबांग एनर्जी के लिए। और नमक और मिर्ची भी ले आ चुका है अपने दोस्त घर से, सब रेडी एकदम तैयार। और बकरी भी है साइड में, और हम लोग के यहाँ पर तालाब भी है गाइस बिल्कुल फील्ड के सामने ही। यहाँ पर मछलियाँ भी है, तो मछली भी मुकबांग कर सकते हैं हम लोग किसी दिन बाट के। तो ये राज्य का ही तालाब है, और वहाँ कर रही है पुल अप और वहाँ दौड़ रही है अपने दोस्त लोग। सही नज़ारे है गाइस यहाँ से, एकदम भूटान के पहाड़। हरे हरे तो नहीं लग रहा, ब्लू ब्लू लग रहा है पहाड़, अलग कलर के पहाड़ है गाइस। और सारे फील्ड पीले पीले, सारे धान काट दिए और घर लेके गया, और वहाँ पर बचे हुए घास को वहाँ रख दिया घर में खाना बनाने के लिए, और गाय को खिलाने के लिए वहाँ रख दिया, सही है। यहाँ पर मेरे दोस्त काट रही है मिर्ची छोटे छोटे पीस में, चिल के बिल्कुल यहाँ पट्टे में रख दिया पीसेस में काटने के लिए। तो गाइस अभी पीसेस रेडी हो चुका है पपीता का। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट डाला जा रहा है, प्याज पट्टे और मिर्ची और नमक भी लगा दिए। सही लग रहा है गाइस, एकदम कच्चे कच्चे आलू की तरह लग रहा है। तो मुकबांग तैयार गाइस, सही है। अभी हम भी टेस्ट करेंगे। थोड़ा मीठा सा की गए यहाँ पर, अच्छी 40 सेकंड बढ़िया भाई। तो गाइस यहाँ पर चल रहा है बॉडी शो। तो यहाँ पर है दो कॉम्पिटिटर्स, एक वो ब्लू पैंट और ये ब्लैक पैंट, बॉडी शो सही है बॉयस।
पैक्स, सिक्स पैक्स, सेवन, सही हेल्दी है इन लोग, हम ही मोटू हुए।